सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हुए हैं पिछले दो क्वार्टर्स में इंडिया में, उसे किस तरह रिएक्ट किया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, गोल्ड बैंक की मीटिंग्स हो या फिर देखिए उनको लेकर जितनी भी टिप्पणियाँ आई हैं यहाँ के विशेषज्ञों ने दी हैं, उसमें भारत का एक आत्मविश्वास प्रकट होता है। और क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था पिछले 3 वर्षों में बहुत मंदी के दौर में चल रही थी और हिंदुस्तान उसकी तुलना में तेज़ गति में था, तो इस मौके का अवसर उठाकर जो व्यवस्था में परिवर्तन यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसको कहते हैं, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में से IBC इंसॉल्वेंसी कोड लाना, GST लाना, डीमोनेटाइज करना और एक अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन जो औपचारिकरण है वो करने का प्रयास करना, इसके लिए बहुत बड़ी सरकार में एक हिम्मत भी चाहिए होती है। और अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो तो आप कहते हुए भी डरते हैं, लेकिन इस अवसर का प्रयोग करके इन परिवर्तनों को लाया गया है और स्वाभाविक है कि उसका इस परिस्थिति के अंदर एक लाभ भी हुआ है। और मेरा अपना आकलन ये है कि पूरे विश्व में मेरे विशेष रूप से बहुत वहाँ के अन्य देशों के वित्त मंत्रियों से भी बातचीत हुई, अमेरिका में भी बात हुई इस बात को लेकर कि भारत इतने बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की क्षमता रखता है, इसकी एक सराहना है। आने वाले दिनों में कोई और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखने को मिलेगा इंडिया में? देखिए, इस वक्त जो सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं उसके आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ा निवेश हो और जिसका देश को लाभ हो पाए, सरकार की तरफ से प्रमुख प्राथमिकता ये रहेगी।